हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है। आइए देखते हैं कि एक्सेल में आज क्या हम लोग खास सीखने वाले हैं। यहां से मैं एक्सेल को ओपन कर रहा हूं, देखिएगा जरा, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2021 है। आपके पास जो भी वर्जन हो आप उसी वर्जन पे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक वर्कबुक ले लेते हैं। अब इस पर हमें काम करना है, हमारे पास कोई डेटा नहीं है तो यहाँ पर हम एक डेटा डिजाइन कर लेते हैं। यानी यहाँ पे लिखा मैंने रोल नंबर और यहाँ पे लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ये लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट्स हो गया और यहाँ पर जब जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के नेम देने हैं। तो एक तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे सब्जेक्ट वन कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, हिंदी इंग्लिश मैथ, पहचान के लिए यहाँ पे कर देते हैं सब्जेक्ट टू, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट टू कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है अदर, जो कि सब्जेक्ट वन से डिफरेंट हो, और यहां से हम इसे ड्रैग करवा लेते हैं। तो ये ड्रैग करवा लिया और यहाँ पे अब हम टोटल कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज। ये दो ही चीजें रहने देते हैं, ठीक है। डेटा हमारा इतना ही रहेगा, इतने डेटा में हम ये काम कर पाएंगे जो कि हम करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पर, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के अब हम कुछ नेम एंटर करवा देते हैं। ये हो गया राम, श्याम, सचिन, यहाँ पे नगमा, NAGMA, यहाँ पर NAGMA, ये हो गया। यहाँ पे सुमित, SUMIT, यहाँ पे अमित, ये हो गया। तो ये कुछ नाम हमने एंटर करवा लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फंक्शन का यूज करूंगा रैंड बिटवीन, और ये एक ही बार में बहुत सारे नंबर्स को जनरेट करके हमें देगा। ये रैंडम नंबर्स होंगे जो कि ये जनरेट करके हमें देगा। तो यहाँ से चलते हैं, अब एक नंबर आ गया तो इसको ड्रैग करवा लेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो ये देखिए, ये आ गया हमारा मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबके मार्क्स आ चुके हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब टोटल करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू का निशान लगाइए, सम फंक्शन लगाइए, और यहाँ से आपको चलना है और यहाँ तक आना है, और एंटर जैसे ही करते हैं तो ये आ जाता है इस तरीके से। टोटल ड्रैग कर देने पे, डबल क्लिक कर देने पे ये भी आ जाएगा, और यहाँ पे एवरेज भी आ जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज ही लगाना है, यहाँ पे एवरेज से मिलते जुलते कई सारे और फंक्शंस हैं, उनको यूज नहीं करना है, और एंटर कर दीजिए। यहाँ पे एवरेज भी आ गया है। आप देख सकते हैं सारी चीजें आ जाने के बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ ए करते हैं, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अल्ट एच बी ए करेंगे तो इस पे पूरा बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ये डेटा कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया है। ये डेटा छोटा सा डेटा है, आपके पास हो सकता है कि इससे कोई बड़ा डेटा भी हो। ऐसे में यहाँ पर कितने सब्जेक्ट में ये बच्चा फेल हुआ है, कितने सब्जेक्ट में पास हुआ है, ये इजिली आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है पास है, 33 से अगर एबव है आउट ऑफ 100 या 33 भी है तो वो बच्चा पास है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये 33 से लेस है, तो इसका मतलब कि ये बच्चा फेल है। यहाँ पर 33 से एबव है या 33 है तो ये पास है। तो मैक्सिमम सब्जेक्ट में ये राम जो है पास है, एक ही सब्जेक्ट में फेल है जिसका नाम है सब्जेक्ट 3, ठीक है। तो इसके लिए क्या हम कोई ऐसी ट्रिक लगाएं, क्या करें जिससे कि हमें ये अलग कलर में शो हो जाए। तो एक तो ये काम कर सकते हैं कि आप इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से कलर चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पर ये अलग कलर में दिखेगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं ये ऑटोमेटिक एक डिफरेंट कलर शो करे। तो हम क्या करते हैं, इतने डेटा को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके कहाँ चलेंगे, होम टैब के अंदर आपको मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पर मिलता है हाईलाइट सेल रूल्स। तो यहाँ पर आकर के और यहाँ पे करेंगे लेस देन को सेलेक्ट किया है, देख सकते हैं। अब लेस देन में यहाँ पर देखिए ये अलग अलग कलर है, तो हम फिलहाल लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट इसको हम सेलेक्ट रखेंगे, ठीक है। और यहां पर क्या कर देंगे, लेस देन क्या रखेंगे, 33। तो 33 से जो लेस है वो रेड कलर में ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी रेड कलर का मतलब है कि आप जो भी रेड कलर में आ रहा है वो एक उस सब्जेक्ट में फेल है, वो बच्चा क्या है, उस सब्जेक्ट में फेल है। अगर मान लीजिए मैं यहां से चेंज कर देता हूं, जैसे ये 26 है, अगर मैं इसे 56 बना देता हूं तो ये रेड कलर ऑटोमेटिक हट जाएगा, देख सकते हैं। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। जैसे यहां पर भी है तो जिसमें हम रेड कलर हटाना चाहते हैं उसमें नंबर हम बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक ये हट जाएगा रेड कलर, देखिए हट जा रहा है, ठीक है। फिर इतने ही डेटा को हम सेलेक्ट करते हैं और फिर वापस चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल्स में। इस बार हम ग्रेटर देन पे जाते हैं, तो ग्रेटर देन क्या करेंगे, ग्रेटर देन 32 करेंगे और यहां पर कलर चेंज करेंगे, बाकी ये ग्रीन में आएगा तो ये ग्रीन कर दिया हमने। तो ये देखिए यहां पर जो भी सब्जेक्ट में बच्चा 33 या 33 से ऊपर पाया है वो ग्रीन कलर में है ऑटोमेटिक। ये एक बार आप कर देंगे ये ऑटोमेटिक होगा।
जैसे अगर आप इसमें चेंजेस भी करते हैं, जैसे इसमें दो नंबर दे दिया तो ये ऑटोमेटिक रेड कलर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रेड कलर में ये चेंजेस हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हाईलाइट सेल रूल्स का फायदा है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।